भाई कोई नहीं, ठीक है सत्य भाई। अरे ये तो भोलेनाथ का है। बताया किस चीज का बना है? हाँ किस चीज का बना होगा ये? वो लग रहा है मेरे को, ये ना वो गोबर और इससे मिलके बनाया क्या? बहुत बहुत धन्यवाद, अब आते हुए मिलेंगे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो कल जो है हम ल्यूटी बुग्याल में रुके थे, यहाँ शाम बिताई हमने, और आज जो है हम वापस से रुद्रनाथ का सफ़र तय कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हाफ हम कर चुके हैं, हाफ ही और है। सबसे पहले यहाँ पे पनार बुग्याल मिलेगा, थोड़ा अगर धुंध हटेगी तो वहाँ बैठेंगे, नहीं तो आज का सफ़र सीधे गो में तय करते हैं। कुछ बोल दूंगा तो मौसम के साथ खटासी हो जाएगी। यह रास्ता इतना सुंदर है कि गालिब के पास शब्द नहीं है, फिर भी लालच ऐसा है कि मन कर रहा था दिख जाए बर्फ से लदे हिमालय, तो जयकारा लगा दूं भोलेनाथ का। फिर सोचा अपना ही उत्तराखंड है, साफ मौसम में झोला उठाएंगे और फिर से चढ़ जाएंगे। तो जो नहीं है उसकी तमन्ना नहीं करनी, और जो है उसका पूरा मजा लेते हैं। अरे इतने मासूम, ये देख कितना मासूम सा है। सुन निकाल यार बिस्किट बिस्किट कुछ। तो आज का जो सफर है हमारा, हमने जो है ल्यूटी बुग्याल से शुरू किया था, और उसके बाद पनार, पनार के बाद अभी हम हैं पितृधार में। हट जाओ। और जो पूरा रास्ता है, पूरा सफ़र है, बहुत सुंदर है, और ऑलमोस्ट जो टफेस्ट पार्ट था वो हम कल कर चुके थे। तो बड़ी उम्मीद से हम ल्यूटी में इसलिए रुके थे कि ये वाला जो सुंदर बुग्याल वाला जो हिस्सा है उसको आपको मतलब बहुत अच्छे से मैं शूट करके दिखाऊंगा और बहुत अच्छे से शूट करके रखूंगा अपने पास। लेकिन वेट कर रहे हैं, बट स्टिल बहुत ज़्यादा फॉग है, अंदर ही अंदर थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है कि यार कैसे, मतलब ये इतना सुंदर है लेकिन बस बयां नहीं कर सकते हैं। फिर भी थोड़ा वेट कर रहे हैं, और यहाँ से शायद 2-4 किलोमीटर में हम जो है रुद्रनाथ पहुँच जाएंगे। तो अगर किस्मत अच्छी रही तो दिन खुल जाएगा, वरना मंदिर के दर्शन करेंगे। मैंने आपकी जो फर्स्ट वीडियो देखी थी ना, वो देखी थी हर की जून। अच्छा, उस दिन संडे था, मैं नहाया धोया 10 बजे आया और लेटा ऐसे देखा, यूट्यूब देख रहा था, आपकी वीडियो आ गई।
फर्स्ट में, वो सेकंड डे था आपका शायद, मैं देखते गया, तीन चार वीडियो थे आपके, उसको पूरा दिन, इसका नाम ही नवीन ही है मेरा फ्रेंड है रानी के से, उसके पूरा दिन 6 बजे तक मैंने आपकी वीडियो देखी, सारा देखा मैंने, आप कहाँ गए थे, आपने एक बार जब फर्स्ट लॉकडाउन था गुड़गांव का भी बनाया था कुछ, सब कुछ देखा यार, मेरा फोन कहाँ है, फोटो खींचेंगे। मेरे दिल में एक आवाज़ गूंज रही है, और अगर ये दिल झांक के देख पाओगे ना तो हर धड़कन में वो आवाज़ सुनाई देगी। जय शिव शंभो, जय भोले, जय शिव शंभो, जय भोले, जय भोले, जय भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जितनी भी अनटच सी, अनछुई सी जगह होती हैं, एक सादगी होती है उनकी अपनी, एक म्यूज़िक होता है उनका अपना, जो हौले हौले आपके दिल दिमाग में चल रहा होता है, या यूं कह लो कि इन जगह की जो रूह है वो अब भी बरकरार है, मानो पांडव बस अभी यहाँ से शिवजी की आराधना करके गुजरे हों। अब शाम की आरती देखेंगे, और पाँचों केदार में सबसे प्रभावशाली आरती रुद्रनाथ की होती है। जब शंख बजेगा ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
आरती खत्म होने के बाद मंदिर के जो पुजारी हैं भट्ट जी, उन्होंने हमें साथ में बैठने को कहा। और शाम के वक्त मैं जब मंदिर को शूट कर रहा था तो उन्होंने कहा कि क्या ये कैमरा सोनी A7III है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, मुझे लगा शायद और किसी यात्री के पास देखा होगा। लेकिन अभी उनकी ली गई कुछ तस्वीरें देखने के बाद मुझे समझ आ गया कि भट्ट जी पेशे से पुजारी हैं लेकिन दिल से एक फोटोग्राफर हैं। एग्जैक्टली कहाँ से शूट किया आपने? अच्छा, पीछे से ही, सनराइज के टाइम पे है। लेकिन एक बात है पंडित जी, हमने भी इतने स्टाइलिश पंडित नहीं देखे आज तक, सच में। मतलब इतने है ना, मतलब पर्सनालिटी है आपकी कमाल की। आप दिखा रहे हो पहले तो। बड़ी मजेदार बातें हुई भट्ट जी से, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। अभी के लिए शुभ रात्रि। रुद्रनाथ मंदिर के ठीक पीछे है सरस्वती कुंड। सोचा सुबह की शुरुआत कुंड से करते हैं। क्या लग रहा है ना? लेकिन नहाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, है ना? सी ऐसे नहा भी सकते हैं तो थोड़ी देर, मतलब धुंध तो है ही, बारिश भी हो रही है, तो उस साइड अभी दिख नहीं रहा है, आप लोगों को कैमरे में नहीं दिखेगा, उस साइड एक कुटिया है, थोड़ी देर वहाँ बैठते हैं, बारिश रुकने का वेट करते हैं, उसके बाद कुंड को देखते हैं तसल्ली से। इसके नीचे नहीं हो सकता, बहुत छोटा है। हमें लग रहा था वो एक कुटिया है, बट एक्चुअल में वो कुटिया नहीं है, वो पत्थर ही है, वो पत्थर के शेप स्क्वायर शेप में था। अब दिक्कत ये कि कैमरा है, इक्विपमेंट्स है, बैग है, गीले हो जाएंगे। मन करता है यार कि ऐसे ही किसी जगह पे घर हो अपना और सुबह सुबह निकल जाएं कुछ जादुई देखने। वैसे तो ये पूरी दुनिया ही सुंदर है, लेकिन उत्तराखंड दिव्य है, डिवाइन है, जादू है। मेरे प्लान में था कि कुंड में नहाएंगे, बट डायरेक्टली कुंड में नहाना मना है। आप अलग से बाल्टी में पानी भर के नहा सकते हैं, बट फिर उसका मजा नहीं है। तो हमने यहाँ पंचस्नान किया और सोचा सीधा नारद कुंड के पानी से नहाएंगे। I am, my name is Dr. Rukmani. I'm from Malaysia. I just came about to know Panch Kedar, and I finished all of it because I did what did I do? Kedarnath. I did Kedarnath. Yes, I did Tungnaath. I did Tungnath, I did Madh Maheshwar, and this is the my last Rudranath. Rudranath. The toughest one was Madh Maheshwar and Rudranath. Others are very easy to do. But again, if you really have, really wanted to see Rudranath and Maheshwar, there is no way you can let go this experience, and it's like really a beautiful spiritual experience in life that I will never forget till I die. And how come you know about these Panch Kedars? Well, because I'm a Hindu, so we will read all these things. Yeah, Hinduism is not only confined to India. Right. So it's whole world, you know. Knows so, about it. Yeah, so we need to know. Yeah, we know all these scriptures like Mahabharatam, Ramayana. So yeah, that's where we learnt about it and really want to see. You know, we all searching for Shiva, right? So this is where I found Shiva, part of me. So I really enlightened. Like I mean. I'm not enlightened yet. I feel like very enthralled with this experience. Yeah. Thank you so much. Okay. Wish you all the best for your journey. Thank you. Bye bye. Thank you so much, guys. Thank you. ये है नारद कुंड, और ये कुंड का पानी जो है यहाँ से फ्लो करते हुए यहाँ पे एक छोटी सी धारा है, और हमारे खतरों के खिलाड़ी इस धारा में नहाना चाहते हैं। मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगा कि इस तरीके की रिस्क आप सिर्फ देख लीजिएगा, इनको घर में करने की कोशिश मत कीजिएगा। घर में तो कहाँ से होंगे कह रही है। जय बोले, जय बोले दोस्त। सबसे पहले हमारे साथ हैं सुदीप। ये खेल शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये पानी ऑलमोस्ट फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास है। ये इतना ठंडा है कि जब हम इसे पी भी रहे थे तो एक बारी में एक घूंट से ज़्यादा नहीं पी सके। इनफैक्ट हमें देखने बाकी के यात्री लोग आए थे कि ये लोग इतने ठंडे पानी में नहा कैसे सकते हैं। तो ये सिर्फ पानी नहीं है बल्कि ठंड का करंट है, जिसे सबसे पहले सुदीप झेलने जा रहा है।
उल्टा कर दे, उल्टा एक बार उल्टा कर दे। भाई पूरा कहाँ आया, अभी पूरा गीला ही नहीं हुआ। उल्टा बैठो, उल्टा उल्टा बैठ जा, सर मत लगाइए सुनती उसमें। अभी हम लोग वापस अपनी नीचे वाली कुटिया में से आरती के लिए जा रहे हैं, तो मॉर्निंग में आरती में बैठते हैं, थोड़ा सा पंडित जी से बात करते हैं, और फिर जो है रुद्रनाथ को अलविदा कहेंगे। कोई स्क्रिप्ट नहीं, स्क्रिप्ट श्री कृष्ण ने लिखी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। स्क्रिप्ट वाले ना हम हैं भाई। अब लगाओ, पांडवों को गोत्र हत्या लगी, उनका सब कुछ तो मैं ठीक हूँ, लेकिन गोत्र हत्या का उपाय मेरे पास नहीं है भाई। मुक्ति के लिए सिर्फ आपको शिव के पास जाना पड़ेगा। ऐसा बताते हैं, कुरुक्षेत्र जब खत्म हुआ तो पांडवों को अपनी गोत्र हत्या से मुक्त होने के लिए वो शिव की ढूंढ में आए, और शिव की जब शिव माने हिमालय की तरफ आए, तो सबसे पहले ऐसा बताते हैं कि जो आपका रुद्रप्रयाग के स्वर कुटेश्वर जो है, वहां से भगवान शिव ने मृग का रूप धारण किया, ऐसा बताते हैं। तो वो चले गए केदारनाथ। पांडव भी छोटी मोटी चीज नहीं थी ना, जिन्होंने उतना बड़े मार दिए सारे, अच्छे खासे धरा सहाय कर दिया श्री कृष्ण को अपने पक्ष में कर दिया, तो कुछ ना कुछ तो मेरा होगा। तो वो भी शिव के बारे में जानने लग गए थे, मिलेंगे तो ढूंढेंगे, जरूर मिलेंगे, मतलब एक जो उनके पास अनुभव था। फिर वो केदारनाथ आए, तो केदारनाथ ऐसे बताते हैं कि भगवान शिव ने भैंस का रूप धारण किया, जो कहानी लोग बताते हैं। और भीम ने कहा यार इसमें तो भैंस सामान्य भैंस तो जो दिख रही है, पर इनमें कुछ अद्भुत भैंस दिख रही है, हो सकता कहीं ये। तो उन्होंने कहा तुम इसको गायों को छोड़ो, और मैं यहाँ से टांग वो करके चौड़ी करके इसके नीचे से जो अगर नहीं निकलेगी वो समझो शिव है। तो ऐसे बताया जब भैंसे दौड़ाने लगे होंगे, तो वो वाली सिप वो भैंस जो थी वो वहीं वो समाने लग गई। तो उसका जो पृष्ठभाग, ऐसा बताते हैं कि भगवान शिव का पृष्ठभाग केदारनाथ में है। फिर चलते चलते मध्य महेश्वर में भगवान शिव के नाभि के दर्शन है। फिर उसके बाद जब आए तुंगनाथ में भगवान जी के पूजाओं के दर्शन है। पूरे विश्व में, भारत के अंदर नहीं, विश्व में भगवान शिव के आपको मुख्य दर्शन कहाँ हो सकते हैं? आप सब जगह लिंगाकार दर्शन करते हैं। सिर्फ एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे बोलते हैं, एकानंद आपके उत्तरनाथ में जहाँ मुख के दर्शन आपने देखे होंगे। हाँ जी, ठीक है, मुख है, और चतुरानंद आपके पशुपतिनाथ में। ऐसा बताते हैं पंचानंद इंडोनेशिया में है, पांच मुख जो है। बाकी आप जहाँ पूरे हिमालय पूरे भारतवर्ष में अगर जाओगे तो आपको लिंगाकारी दर्शन होता है। ये तो है चतुर्मुखेदार, जहाँ भगवान शिव के उनको पांडवों को मुख्य दर्शन हुए थे। और अब ऐसा बताते हैं कल्पेश्वर में जटाओं के दर्शन है। पर ऐसा भी बोलते हैं भगवान शिव ने सशरीर किसी को दर्शन, पूरा सशरीर ऐसे दर्शन, अलग अलग दर्शन, लोग लिंगाकारी ज्यादा दर्शन करते हैं। हाँ। तो ये पंच केदारों में भगवान शिव के इन अंगों के दर्शन होते हैं। ये रुद्रनाथ क्षेत्र में आप जब आते हैं तो ये समझ लो रुद्रनाथ का क्षेत्र पनार बुग्याल से ऊपर शुरू हो जाता है, पितृधार हो गया, जहाँ पे पितरों को लोग ऐसे पितृ क्या पवित्रधार है इतना पत्र, वहाँ से फिर हम लोग पहले जो था कि जो नियम परंपराएं जो थी, नंगे पाँव थे, थूकते बोलते चलते भी नहीं थे, थूकते तक नहीं थे, लघु संघा वो तो छोड़ो, थूकने तक का वर्जित था। फिर यहाँ पे जो है पांच कुंड है, नारद कुंड हो गया, पीछे सरस्वती कुंड है, उसके पीछे मानस कुंड है, नीचे बैतरणी कुंड है, फिर सूर्य कुंड है, और यहाँ पे कभी कभार ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी होते हैं। जैसे यहाँ ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे कभी कभार आप अगर देखोगे कोई दिव्य दर्शन होंगे तो कभी दिव्य दिन कोई बसा रहा ज्योति में दर्शन होते रहता है। वो किस शेप में रहता है? ज्योतियाँ दिखती रहती है। अच्छा, हम लोग अलग अलग ढंग से ज्योतियों का दर्शन बहुतों ने कर दिया, बहुत लोग देखते रहते हैं उन्हीं कुंड में, ज्योतिर्लिंग है नीचे पीछे, तो बहुत सरस्वती कुंड में अगर कोई वैसा ध्यान करके तो वहाँ बिना बस्ती रहती है, जैसे बिना बस्ती ना। अच्छा, अब लोगों ने तो बिल्कुल ऐसा कर दिया कि बिल्कुल ज्यादा पिकनिक माहौल वैसा नहीं रहेगा ना, क्योंकि हम लोग, मैं तो जहाँ उत्तराखंड होने के नाते हम लोगों को अपनी परंपरा इनको बचा कर रखना चाहिए। हमारा क्या है कि देवभूमि के लोग हैं, बहुत मुश्किल से देवभूमि में जन्म लिए, इतना हम लोगों के पता नहीं कौन से कर्म रहे होंगे जो इस देवभूमि में हम जन्मे हैं। और देव अब लगाओ
अपने यहाँ के लोग अब लगाओ इन क्षेत्रों में दारू उसरा वगैरह जो डीजे पीजे जो थोड़ा सा आध्यात्म के लिए पूरा हिमालय जो है हमारे पावर बैंक है, ऊर्जा का स्रोत है। बाकी आप लगाओ ना हिमालय तो रशिया में बहुत है, न्यूजीलैंड बहुत बहुत ज्यादा हिमालय, पर लेकिन आपने सुना नंदा देवी वो भी हिमालय है, नीलकंठ शिवलिंग त्रिशूल नंदा घूमटी ये हमारे सारे देवी देवताओं के तो नाम पे, तो ऐसे किसी का नाम तो नहीं रखूंगा। नीचे बैठो आप आध्यात्म ऊर्जा मिलेगी। बाकी हिमालय तो ऋषियों की पूरी तपस्थली है, यहाँ देवता तप कर रहे हैं, ऋषि तो छोड़ो देवता भी तप कर रहे हैं इस देवभूमि, इसलिए देवभूमि का आध्यात्म तो कहते हैं हमारी जो नई जनरेशन है वो इस इनको समझे। अब लगाओ आज ऋषिकेश में गोवा बीच बन गया है, वो गोवा बीच कहाँ से आ गया? ऋषिकेश तो गंगा जी के नीचे तो तप करने की जगह थी, आध्यात्म की जगह थी, और तुम उसको गोवा बीच बना रहे हो। हमारी जो संस्कार है हम वो ये ना भाई, आप चाहे कुछ भी कर लो लेकिन परंपरा तो हमारी है ना। हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि आरती का जो मूल रूप है, जो वास्तविक म्यूजिक है, उसकी कंपन आप महसूस करें। यह हिमालय से निकला हुआ संगीत है भोलेनाथ को समर्पित, शायद ही दुनिया में आपको कहीं ऐसा कुछ सुनने को मिले। ये बात अगर महाभारत में नहीं भी लिखी गई होती तो भी इन पत्थरों को, इन चट्टानों को देख के आप महसूस कर सकते हैं कि ये हजारों साल पुरानी है। पूरा मंदिर मानो किसी बड़ी सी चट्टान का हिस्सा हो। यहाँ से अलविदा लेता हूँ मेरी जान। मैं समझता हूँ कि हमारे साथ आपने भी ये सारे पल अनुभव किए होंगे। बहुत कुछ बोलना चाहता था लेकिन सोचा इस बार बिना बोले आपको महसूस कराएंगे। और हाँ, अभी इस सफर का एक और जादुई एपिसोड बचा हुआ है। मिलते हैं फिर से। जय भोलेनाथ। गुरुद्वारा आओ। हाँ वही शूट भी करेंगे, सारे इक्विपमेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं। आप हाथ हिलाते हुए आओ। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जय शिव शंभू। मौसम की तो मार पड़ी हुई थी लेकिन इमोशंस पूरे थे। बस अब अभी ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, इसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। जय भोलेनाथ।